हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, सिस यूनिवर्सिटी के सेशन 2024-25 के यूजी एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप सिस यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे, वो भी सीएस यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज जो कि है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज होते हैं उसके अंदर आपको एडमिशन फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बीए कोर्स के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको सिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर आ जाने के बाद अब आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको वेबसाइट पर लिंक मिल जाता है, एडमिशन 2024-25। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, जो कि 2024-25 का है, उस पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको 2023-24 के भी यहाँ पे पोर्टल के लिंक मिल जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे तीन लिंक देखने को मिलते हैं, जो कि बी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड लेटरल एंट्री का ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। साथ में बी पी एड, एम पी एड, एम एड और LLM के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो लिंक मिल जाता है। साथ ही आपको मिल जाता है कैंपस और कॉलेज के लिए आपको यहाँ पे पोर्टल मिल जाएगा 2024-25, जो कि सिर्फ अभी यहाँ पे यूजी का पोर्टल यहाँ पे अभी जारी हुआ है। तो हमें इसी लिंक पे क्लिक करना है, जो कि कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2024-25 है। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम यूजी एडमिशन पोर्टल के पेज पे आ जाएंगे, जहाँ से आप 2024-25 सेशन के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सेशन मिल जाएगा 2024-25, और जो स्टार्टिंग डेट हुई है यानी 27 अप्रैल से आपके एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही इसी पोर्टल पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ऑलरेडी रजिस्टर और कॉलेज पोर्टल। तो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आपको कैंपस और कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलग से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में सर्च करने का डिटेल कि आपका जब अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपना पासवर्ड फॉरगेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, और कॉलेज लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। साथ में स्क्रॉल करते हैं तो स्टेप मिल जाएंगे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। साथ ही राइट साइड में आपको नोटिस मिल जाएंगे, जिसमें आपको कॉलेज और कैंपस के लिए एडमिशन ब्राउचर मिल जाएंगे, जिसको आपको रीड करके आप अपनी एलिजिबिलिटी, उसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है, आप एडमिशन ब्राउचर देख सकते हैं। तो आप जल्दी से हम अपना यहाँ पे एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें जाना है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, जहाँ पे देखिए आपको यूजी के लिए कॉलेज के अलग से ऑप्शन मिल जाएगा और कैंपस के लिए अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें कॉलेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे हम यूजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आप सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से, अगर जो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा, उससे आप कैंपस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए। तो हम यहाँ पे यूजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको स्टेप वन के अंदर अपना यूजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी डिटेल सेलेक्ट करनी है, इसमें आपको 12th की डिटेल देनी है अपनी। तो आपका जो 12th का बोर्ड का नेम क्या है, यूपी बोर्ड है, आईसीएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या फिर कोई अदर बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है उसका बोर्ड का नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए अभी सीबीएसई जो बोर्ड है उसका 12th का रिजल्ट नहीं आया है, तो जब आपका रिजल्ट आ जाए तब आप अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट का बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद 12th बोर्ड का जो आपका रोल नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है। एप्लीकेंट नेम यानी स्टूडेंट का नेम फिल कर देना है। ये जो डिटेल आप फिल करें वो 10th के बेस पे ही डिटेल फिल कीजिएगा। इसके बाद फादर्स का नेम, मदर्स का नेम फिल कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है स्टूडेंट की। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट का। आधार नंबर में आपको 12 डिजिट आधार की आपको फिल कर लेनी है, जो कि मैंडेटरी है। नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपको फिल कर लेना है। इसमें एड्रेस में फुल एड्रेस, स्टेट का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। सेम आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और कंफर्म कर लेना है आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि आपका स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। उसमें एक आपका अपर केस और लोअर केस आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए और नंबर भी होने चाहिए। तो ऐसा आपको एक पासवर्ड 8 डिजिट से लेकर 12 डिजिट का पासवर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है अपना पासवर्ड। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद देखिए टर्म एंड कंडीशन हमारी पहले से ही एक्सेप्ट रहेगी। इसके बाद राइट कैप्चा फिल कर लेना है और फिर रजिस्टर नाउ के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा
और आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको SMS के थ्रू आपको मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल एड्रेस पर भी सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें ओके का ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखे शो करेगा हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली और आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो आपके यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्लिक करना होता है क्लिक हियर टू कंटिन्यू के ऑप्शन पे। साथ में स्क्रॉल करते देखिए आपको मिल जाते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करने हैं, कितने स्टेप आपके बाकी हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक टू कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि हमारा स्टेप टू रहेगा जो कि हमारा वेटेज यहाँ पे क्लेम करने का स्टेप रहता है। तो देखिए दोस्तों अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और आप लॉग आउट हो जाते हैं, अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है तो यहाँ पे मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। लॉग आउट होने के बाद देखिए दोबारा से हम पोर्टल पर आ जाते हैं जहाँ पे अब अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो कंप्लीट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी आ गए हैं। तो अब हमें सेकंड स्टेप जो कि ऑलरेडी रजिस्टर के ऑप्शन में ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट लॉगिन का, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हम लॉगिन पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो आपको फिल कर लेना है। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करते ही हमें आ जाना है लॉगिन के पेज पे। लॉगिन पेज स्टेप आते ही हम देखिए आ जाएंगे उस स्टेप पे जहाँ से हमें अपना नेक्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट पहले हो चुका है स्टेप वन, पहले हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लिक हियर टू एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, जो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल है उसको आप एडिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में आपको अपना वेटेज क्लेम करना होता है रिजर्वेशन के लिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हियर टू सबमिट के ऑप्शन पे। सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जो कि स्टेप टू जहाँ से हमने अपना लॉग आउट कर दिया था उसी स्टेप पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे अपना वेटेज क्लेम करना होता है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है इनकम ग्रुप। तो आपकी फैमिली की इनकम ग्रुप किस ग्रुप के अंदर आते हैं, आपकी इनकम कितनी है, फैमिली की 2 लाख है, 2 लाख से कम है या कितनी है, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रीजन क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका रीजन है सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है या अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। डोमिसाइल स्टेट क्या है आपका, यानी आप जो कहाँ पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं या फिर अदर स्टेट के अंदर रहते हैं, वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर। तो देखिए दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो नंबर आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है कास्ट और कैटेगरी। तो आपको अपनी यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी, किस कैटेगरी अंदर आते हैं आप, जनरल कैटेगरी के अंदर SC ST OBC। तो जो भी आपकी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं जनरल सेलेक्ट करता हूँ। जनरल सेलेक्ट करने के बाद आपको मिलता है EWS स्ट्रीम। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने कास्ट कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया SC ST OBC और कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो नन भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं आप तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपने माइनॉरिटी स्टेटस को यस किया था तो सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नन मेंशन कर दीजिएगा आप यहाँ पे। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है रिजर्वेशन कैटेगरी। तो आप यहाँ कोई सी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपके पास है तो मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे नन फिल कर देना है। इसके बाद उसमें मिलता है फिजिकल हैंडीकैप है आप तो आपको अपना यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज नन के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं आप, यानी आप नेशनल स्टेट या इंटर यूनिवर्सिटी आपने कोई स्पोर्ट्स कोटा आपके पास है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कीजिएगा। इसके बाद वेटेज क्लेम का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके फैमिली में कोई भी पर्सन किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग है तो आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी वेटेज आपको क्लेम करना है, अदरवाइज आपकी फैमिली में से कोई भी मेंबर यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग नहीं है तो आप यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप यहाँ पे NCC NSS वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो आप अपना स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अदर डिटेल के अंदर ऑप्शन मिलता है ABC ID। अगर आपने अपना ABC ID क्रिएट किया हुआ है तो ABC ID आप यहाँ पे नंबर अपना फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अभी ABC ID क्रिएट नहीं किया तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई, चैनल पर आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को देखकर अपना ABC ID आप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ABC ID नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने 12th पास कर लिया है, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपके यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। तो इसके बिना आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से आपको या फिर बोर्ड से आपको मंगवा लेना है, वो सर्टिफिकेट नंबर आपके यहाँ पे मेंशन कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे जो कि रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे आपको अपनी 10th या 12th की डिटेल फिल करनी है। अगर आपके पास 12th की डिटेल नहीं है तो आप यहाँ पे ITI पॉलिटेक्निक या इक्विवेलेंट आपको डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 10th की डिटेल फिल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें अपना बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने 10th अपना CBSE बोर्ड से किया हुआ है तो CBSE बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपने UPP बोर्ड से अपना 10th पास किया हुआ है
तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यूपी बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्रयागराज, तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज कोई अदर बोर्ड है आपका वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने टेंथ पास किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर क्या है आपका टेंथ का वो मेंशन कर देना है। मार्कशीट नंबर यानी जो मार्कशीट सीरियल नंबर होता है आपका वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको मेंशन कर देना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ में सब्जेक्ट जो आपके टेंथ के सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है, उसके नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। सेम डिटेल आपको ट्वेल्थ की मेंशन कर दी, इसमें आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट सीरियल नंबर और मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और पॉइंट और सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट मेंशन कर देने हैं। बात करते हैं अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो इस केस में आप यहाँ पे नन फिल कर दीजिएगा। 10th और 12th की डिटेल फिल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपका 12th का रिजल्ट जो उसकी डिवीजन है वो ग्रेस मार्क्स के कारण चेंज हुई थी तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है, अगर आपके पास 10th क्लास में मैथ्स था या फिर होम साइंस सब्जेक्ट था तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अगर दोनों ही थे तो बोथ सेलेक्ट करना है, अगर सब्जेक्ट है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें ऑप्शन मिलता है इंटरमीडिएट स्ट्रीम, तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है। आपके पास कौन सी स्ट्रीम थी, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप, जो भी आप स्ट्रीम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कोर्स एलिजिबिलिटी शो करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे पीसीएम सेलेक्ट किया है तो उस हिसाब से जो कोर्स एलिजिबिलिटी है वो शो कर रही है, यानी जो कोर्स आपको शो करेंगे उसी के आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम पीसीबी के लिए आपको शो कर जाएंगे कोर्स एलिजिबिलिटी क्या है, आप देख सकते हैं किस किस कोर्स के लिए आप अपना यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं जो आपकी स्ट्रीम है। सेम कॉमर्स ग्रुप के लिए, आर्ट्स ग्रुप के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फॉर्म फिल करना है बीए कोर्स के लिए, तो आपको अपना यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जहाँ पे आपको कोर्स और कॉलेज की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, साथ में 3 कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको अब फ्यूचर में कुछ अपडेट हो जाए, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाए, लेकिन आपको कोर्स के अंदर यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। जो भी प्रोग्राम कर जाते हैं बीए के अंदर, बीए एनईपी, बीए ऑनर्स या जो भी बीए का आपको शो करे यहाँ पे ऑप्शन, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें एक ही कोर्स देखने को मिल रहा है बीए एनईपी, जो हमने स्ट्रीम सेलेक्ट की है। आपके जो स्ट्रीम सेलेक्ट हुए हिसाब से आपको कोई अदर कोर्स शो करे यहाँ पे बीए का तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप बीए बीएड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिसाब से आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। जो आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको कॉलेज शो करेगा, जो कोर्स आपका ये करा रहा है बीए वही कोर्स आप वही कॉलेज आपको यहाँ पे शो करेगा, उस कॉलेज को आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना जिस कॉलेज में आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपको अपने यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करनी है और कॉलेज का नेम सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप 3 डिफरेंट कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक ही कोर्स तीनों कोर्स के ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं और 3 डिफरेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, अपने कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे जो कि रहेगा स्टेप 5। स्टेप 5 में हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं अपने फोटो, साइन और डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें फोटो हमें अपलोड करना है अपना, इसका फॉर्मेट जेपीजी और जेपीईजी रहेगा। साइज आपको रखना है 50 KB से लेके 100 KB के बीच में। इसके बाद हमें अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फॉर्मेट हमारा जेपीजी जेपीईजी रहेगा। साइज आपको 10 KB से लेके 50 KB रखना है। बात करते हैं 10th और 12th की, हमें यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी है, इसकी हमें यहाँ पे स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। फॉर्मेट हमारा जेपीईजी और जेपीईजी रहेगा दोनों का, और साइज रहेगा फाइल का 100 KB से लेके 500 KB के बीच में आपको फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। तो बात करते हैं अगर आपका 12th का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है और आपके पास अभी मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो आप रिजल्ट की कॉपी भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेट कर लीजिए, जब आपके पास मार्कशीट आ जाए उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने, इसमें आपको फोटो, सिग्नेचर, साथ में 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। इस बार देखिए टर्म्स में एक्सेप्ट करना है और सेव नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे जो कि रहेगा हमारा स्टेप 6, जहाँ पे हमें अपनी पेमेंट करनी होती है अपने कोर्स की, जो हमने सिलेक्शन किया है कोर्स के, जिसके लिए आपको देखिए यहाँ पे पेमेंट करनी होगी 115 रुपये की। लास्ट ईयर भी आपको 115 रुपये की पेमेंट करनी होती थी, तो यहाँ पे जो पेमेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने के लिए आपको मिलता है क्लिक टू मेक पेमेंट ऑनलाइन, इस ऑप्शन पे क्लिक करके हमें पेमेंट करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले, जब आप पेमेंट कर लें तो आपकी पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, वही मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे। तो अगर आपकी पेमेंट सक्सेस नहीं होती तो आपको यहाँ पर मिल जाता है कॉल फॉर टेक्निकल क्वेरीज, जिसमें आपको 2 नंबर देखने को मिल सकते हैं। इन पर कॉल करके आप अपनी जो प्रॉब्लम है, इसमें अगर आप पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट कट गई है, पेमेंट शो नहीं कर रही है, उसके रिगार्डिंग आप कॉल कर सकते हैं। फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ भी आप यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करते वक्त, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। साथ में अगर आपके नंबर नहीं मिलते हैं तो आपको
यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है जिसपे आपको ईमेल करना है अपने रजिस्टर ईमेल एड्रेस से, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी कोर्स की डिटेल, अपना नेम, सारी डिटेल मेंशन करके आपको अपनी जो क्वेरी है वो मेंशन कर देनी है, और जो अगर आपने पेमेंट का इशू है आपका तो वो डिटेल मेंशन कर देनी है, और मेंशन कर देना है आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से मैं आप यहाँ पे पेमेंट के उसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको आपकी डिटेल्स हो करेगी, साथ में पेमेंट आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। साथ ही क्यूआर कोड का उसमें मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके हम क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड में क्या हो आपका एक रुपया एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर लेता हूँ जल्दी से। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद देखिए आपके सामने फी रिसीट जनरेट हो जाती है, जिसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी और जो आपका स्टेटस है वो सक्सेस शो करेगा। साथ में यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन क्लिक करके आपको अपने फी रिसीप्ट की आपको यहाँ पे कॉपी की इसकी स्लिप की प्रिंट निकाल लेना है, और उसके या फिर आप पीडीएफ फाइल में अपने पास सेव रख लेना है। तो ये आपका फाइनल रिसिप्ट होती है। इसके बाद देखिए हमें होम का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम आ जाएंगे होम पेज पे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, और हमारे यहाँ पे सारे स्टेप्स शो करेंगे। साथ में शो करेगा जो महत्वपूर्ण निर्देश में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है। अब देखिए स्टेप 7 में शो करता है व्यू प्रिंट फिल्ड अप फॉर्म डिटेल। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रिंट कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपने कैंपस के लिए फॉर्म फिल किया तो कैंपस ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपका जो फाइनल प्रिंट है वो आपके सामने शो हो जाएगा, जिसका आपको प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और अपने पास सेव रख लेना है, या फिर इसको पीडीएफ फाइल में अपने पास सेव रख लेना है। तो ये आपका फाइनल प्रिंट रहेगा। तो अब आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। तो यहाँ पे देखिए जो मेरिट आपकी लगती है वो आपके मार्क्स के बेस पे ही मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, कुछ नहीं, मेरिट बेस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा जो आपने कॉलेज सिलेक्शन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, जो कि हमने कॉलेज के लिए अपना यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल किया है। बात करते हैं हम अगर बैक आते हैं तो देखिए अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं मिल रहा है जो आप सेम डिटेल से कैंपस के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो यहाँ पे पोर्टल अपडेट किया जा रहा है कुछ दिनों बाद आपको सेम डिटेल पे आप लॉगिन करने के बाद आपको कैंपस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पोर्टल का यहाँ पे लिंक के लिए आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आप अलग से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं कैंपस के लिए तो आपको कॉलेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको जल्दी ही वो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप सेम डिटेल से अपना कॉलेज का और कैंपस का दोनों का एक साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिया है कैसे आपको यूजी एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं। A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को फिल करते वक्त तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम ID या फिर टेलीग्राम जो ग्रुप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन कर दूंगा, या फिर आपको ये फॉर्म फिल करवाना है अपना एडमिशन फॉर्म तो मैं वो भी आपको फिल कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपका फॉर्म फिल करूंगा, बस आपको पेमेंट अपनी देनी होगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वो क्लियर हो गया होगा कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।